आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, म्यूचुअल फंड में SIP करते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अभी उम्र के मार्केट चल रहा होगा, लाइव में आपको IPO के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। तो इस वीडियो को देखने के बाद में इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं मोबाइल की। हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप IPO में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, वो भी अपस्टॉक्स डीमैट से। तो अपस्टॉक्स डीमैट से आप IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किस तरीके से अप्लाई करोगे, कैसे ऑटो पे को सेट करोगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने अपस्टॉक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने एक डीमैट अकाउंट ओपन किया है अपस्टॉक्स ऐप, तो मैं यहाँ पे अपना पिन डाल लेता हूँ। मेरा जो पिन है मैं यहाँ पे आपके सामने डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पिन डाला है, अपस्टॉक्स ऐप लॉगिन हो चुका है। अगर आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से अगर डायरेक्टली ओपन करोगे तो मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा, तो वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, माई वॉच लिस्ट का, ऑर्डर का, पोर्टफोलियो का, डिस्कवरी का। आपको डिस्कवरी वाले ऑप्शन पे आना है। डिस्कवरी वाले ऑप्शन पे आपको और भी ऑप्शन दिखते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPO, NCDX। तो आपको ये वाले ऑप्शन पे आना है क्योंकि आपको IPO पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं IPO वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ। IPO पे आने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं हूँ। आपको एक ऑप्शन दिखता है ऑनगोइंग का और माई एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे अलग अलग IPO को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे एक्टिव IPO जिसमें आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो, प्री अप्लाई IPO जो आने वाले हैं, मतलब Hyundai का IPO आने वाला है, इन बहुत सारे ऑप्शन IPO आने वाले हैं, क्लोज IPO जो क्लोज हो चुके हैं यानी कि जिसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो बंद कर दिए गए, और नीचे जाओगे तो और अपकमिंग IPO भी आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक्टिव IPO में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो IPO दिख रहा है प्रेनिक का, मैं लॉजिस्टिक्स का, मैं इस पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देख सकते हो 73 रुपीज़ या 77 पर शेयर के हिसाब से आपको IPO में मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीडिंग डेट्स यानी कि 10 से 14 अक्टूबर तक रहेगी इसकी अप्लाई करने की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा 1,16,800 रुपये और लॉट साइज है 1,600 शेयर, यानी कि एक लॉट में 1,600 शेयर आएंगे 73 या 77 के प्राइस के हिसाब से ही ओपन हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे इशू साइज दिख रहा है, ये यूसी साइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यूसी साइज दिख रहा है आपको, इशू साइज यहाँ पे 22 करोड़ का दिख रहा है। कंपनी की प्रोफाइल देखोगे तो कंपनी 2015 में बनी गई है, प्रेनिक लॉजिस्टिक लिमिटेड देख सकते हो। यहाँ पे इटसेल्फ लेडिंग सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस कंपनी की डिटेल पहले आप चेक कर लीजिएगा IPO करने से पहले। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सीख सकें कि अपस्टॉक्स से IPO को कैसे अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर इन्फॉर्मेशन दिख रहा है कंपनी की, किस नाम से रजिस्टर है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइमलाइन का, यानी कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 10 तारीख को यहाँ पे बीडिंग स्टार्टेड है, बीडिंग एंड यानी आप एक्टिव जो आप इन्वेस्टमेंट करना कब बंद हो जाएगा, 14 अक्टूबर को लास्ट इन्वेस्टमेंट होगा। 15 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा, रिफंड इंजेक्शन 16 तारीख को हो सकता है, डीमैट में ट्रांसफर यानी कि आपके अकाउंट में आपको शो होगा 16 तारीख को, लिस्टिंग यानी कि 17 तारीख को ये करेंट मार्केट में यानी कि सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मुझे इंडिविजुअल सिलेक्ट है, लॉट कितने लॉट लेना चाहते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 1 लॉट ही लूँगा क्योंकि UPI की लिमिट 1,00,000 के सब दिख गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 लॉट लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक UPI ID को अप्लाई करना है। UPI ID आपके फ़ोनपे पे, गूगल पे पे एक UPI ID होगी, उस UPI ID को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैंने इस UPI ID को कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये UPI ID को मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा है। अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन दिख रहा है कंफर्म पर, उस पर क्लिक करना है। कंफर्म पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो एप्लीकेशन सेंड टू एक्सचेंज और एक्सेप्ट UPI मैंडेट अलॉटमेंट, तो यहाँ पे आपको दिख जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे आपको फ़ोनपे को ओपन करना है।
तो मैंने यहाँ पे आपको फ़ोनपे को ओपन किया, तो आपके पास में जैसे आप फ़ोनपे को ओपन करोगे, आपको यहाँ पे फ़ोनपे को ओपन कर लेना है। मैं अपना फ़ोनपे ओपन कर लेता हूँ और देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है आई पी ओ में अप्लाई करने के लिए ऑटो पे का। तो यहाँ पे आपको सेट ऑटो पे क्लिक करना है। सेट ऑटो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो स्टार्ट डेट 11 अक्टूबर को, एंड डेट 29 अक्टूबर को। मैं यहाँ पे सेट टू ऑटो पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपना जो पिन है वो मैं फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही फ़ोनपे पे आपको ऑटो पे आएगा, तो ऑटो पे आप क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, तो आप आई पी ओ जाएगा वो अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई आप जैसे ही आई पी ओ का अप्लाई करोगे, वो आपको अपस्टॉक्स में दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके आपके स्टेटस में, अपस्टॉक्स के स्टेटस में आपको दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप आई पी ओ को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आई पी ओ को जैसे ही अप्लाई करोगे आपको स्टेटस बार में दिखने लग जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।